वेलकम टू रास्तेदारी। और रास्तेदारी फिर से जा रही है एक नई जगह एक्सप्लोर करने, जो कि है सुंदर नर्सरी। और हमारे साथ नए रास्तेदार हैं बादल और शिप्रा। इनकी हेलो आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, माइक मेरे पास है। और हमेशा की तरह हमारे हेवी ड्राइवर लोकेश शर्मा, AKA लोकी केंदे। तो कैसा लग रहा है आपको, हम सुंदर नर्सरी जा रहे हैं? सुंदर लग रहा है मेरे को। तो इसको सुंदर लग रहा है, हमें अति सुंदर लग रहा है। तो हम आपको पहुंच के बताते हैं कैसा रहा हमारा सफ़र और कैसे पहुंचे और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो हम चलते हैं सुंदर नर्सरी। तो हम ऑलमोस्ट आधा रास्ता कवर कर चुके हैं और अभी बचे हैं पहुंचने में 16-17 मिनट। और लोकेश बहुत दुखी है, कह रहा है पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो गाना गाते हुए जा रहा है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और व्यूअर्स, आप हमारे कन्हैया हैं तो हमें व्यूज़ देकर अमीर बना है। प्लीज़ कृपा करिए, थोड़ा बरसाइए अपने व्यूज़, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़। तो पहुंच चुके हम सुंदर नर्सरी। सुंदर नर्सरी में आने के लिए पैसा लगेगा ₹50 पर पर्सन और ₹100 गाड़ी की पार्किंग के चार्जेस होंगे, जो कि मंडे टू सैटरडे। संडे आओगे तो ₹200 चार्जिंग है और ₹50 पर पर्सन एंट्री फी है सबके लिए। तो चलते हैं, हमने गाड़ी यहाँ लगाओ आराम से, फिर अंदर हम घुसते हैं सुंदर नर्सरी के ग्राउंड में, खुले मैदान में पिकनिक मनाने लोग आते हैं। ये हो गया गाड़ी से आने वालों के लिए, बट जो लोग मेट्रो से आ रहे हैं उनके लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग। तो आप आ सकते हैं जोरबाग मेट्रो स्टेशन, वहाँ से ऑटो करके आप आ सकते हो। सुंदर नर्सरी में एंट्री पे ही ये मैप टाइप है, मतलब ये गाइडेंस के लिए बोर्ड लगाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे मिलेगी आर्क ऑफ डिस्कवरी, सुंदर वाला महल, मिर्ज़ा मुजफ्फर हुसैन मकबरा, छोटा बताशे वाला, मुग़ल मकबरा, और फिर हैं फैसिलिटीज़ यानी कि वॉशरूम्स। तो स्टार्टिंग में ही है। और आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो अभी हम जा रहे हैं सुंदर वाला महल, तो चलते हैं सुंदर नर्सरी के सुंदर वाला महल। बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री बहुत पसंद है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी मॉन्यूमेंट्स टाइप की चीज़ें हैं इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, तो आपको ऐसे बोर्ड्स दिखाई देंगे जहाँ पे लिखा होगा हिस्ट्री इज फन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदर वाला महल एंड गार्डन। तो अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ब्यूटीफुल हेरिटेज जो महल है, ये है सुंदर वाला महल। तो अब हम इसके अंदर जा रहे हैं इतिहास को वापस से जीने। बोलने के लिए कि यार अंदर ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, पर गाइस अनफॉर्चुनेटली हमने वो नहीं दिखाया आपको, क्योंकि गार्ड भैया ने आके बोला भगो यहाँ से, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो अंदर आप कैमरा ना लेके जाएं, बाहर से आप सुन ले लो, सुंदर है उसी को एंजॉय करो ना। अंदर जाना ही क्यों है, अंदर वीडियो बनाना ही क्यों है, किसी पर्सनल महल है, क्यों इसको मिसयूज़ करना। ऊपर भी जा सकते हैं पर रास्ता बंद है। चलो हम चलते हैं दूसरी दिशा में। तो ये है यहाँ का थिएटर टाइप का, यानी कि यहाँ पे छोटे से इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये छोटा सा स्पेस है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, मतलब है काफ़ी बड़ा स्टेज है। यदि आपका गोल यहाँ पे आके वीडियो बनाना नहीं है, इन्जॉय करना है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, आप अपनी चटाई लेके आएँ ताकि आप बिछा के आराम से बैठ सकें। दूसरा, साथ में पानी लेके आएँ, क्योंकि घूमोगे खेलोगे तो प्यास लगेगी। तीसरा, अपना घर से खाना लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो कैफेज़ हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, ₹40 की कोल्ड ड्रिंक ₹80 की भी मिल सकती है। चौथा, कि अपना गेम फिसबी या फुटबॉल लेके आएँ, जो भी गेम आपको खेलना पसंद है वो लेके आएँ। आप यहाँ पे सीक्वेंस ला सकते हैं, ऊनो ला सकते हैं, कैरम ला सकते हैं, कैरम बड़ा होता है तो उठाने वाला है तो ला सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
और मैं एक चीज़ देख रहा था, यहाँ पे लोग जो हैं कुछ लोग यहाँ पे आके एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ऐसे करके, पर मैं सोच रहा हूँ लोग 50 रुपये एंट्री फी देके एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, तो अपने लोकल गाँव वो अपने पार्क में करें घर के पास वाले में। यहाँ पर कुछ जोड़े भी मिलेंगे आपको, कुछ नाराज़ होंगे कुछ खुश होंगे, तो जो खुश होंगे वो पास बैठे होंगे, जो नाराज़ होंगे थोड़े दूर दूर बैठे होंगे। तो मतलब मैं कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे शाम होती जा रही है यहाँ पर लाइट ऑन हो जा रही है, और लाइट ऑन होने के साथ यहाँ पर जो यहाँ की जो ब्यूटी है और भी निखर रही है, लाइट में चमक रही है। सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये की एंट्री फी, देखिए इतनी सुंदरता आपको देखने मिल रही है, वो भी कहीं और नहीं दिल्ली में। तो अब हम पहुंच गए हैं गार्डन ऑफ डिलाइट, और आपको पता चलेगा सुंदर नर्सरी को सुंदर क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से फाउंटेन्स हैं लाइन से, टू एड मोर ब्यूटी टू दिस प्लेस। एंड नाउ आई नो व्हाई दिस प्लेस कॉल्ड सुंदर नर्सरी। और एक चीज, पावर बैंक भी लेके आए, क्योंकि टाइम स्पेंड करोगे तो फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी, जो मेरी हो गई ऑलमोस्ट, तो पावर बैंक भी लेके आए अपने साथ। अभी मैंने बताया था कि जब फैमिली के साथ हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इस फैमिली ने पूरा ध्यान रखा है। प्रॉपर बड़े बड़े स्टील के बॉक्सेस में खाना लेके आए, सब प्लेट्स लेके आए, तो अच्छे से खाना खा रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है मज़ा सा आ रहा है। इनको देख के इतनी खुशी सी मिल रही है कि जैसे हम ट्रिप्स पर जाते थे बचपन में, तो घर वाले ले जाते थे कहीं खेत या स्कूल में बैठा के खाना खिलाते थे, आलू की सब्जी, पूड़ी, चावल और चार, वही है। पर आप खाना नहीं लेके आ रहे हो इनके, तो टेंशन नहीं लेने का बाबा, मैं बताऊंगा क्यों बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टॉल्स होंगे छोटे छोटे, तो आप यहाँ से ख़रीद के खा सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर इसका भी मेरे पास ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे स्विगी या जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट, यहाँ का लोकेशन डालना, गेट पर जाना, ऑर्डर लेना, और अंदर आके चिल होके आराम से चटाई बिछा के, तौलिया बिछा के, जो भी आप ला रहे हो तो आप उस पर बैठ के आराम से खाना। फिर तो अब हम आ गए हैं ये तालाब के पास, यहाँ पे तालाब हैं, फाउंटेन्स हैं, अभी फाउंटेन्स में लाइट भी जलेंगी शायद, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा था कि फाउंटेन में रात को लाइट जलती हैं, तो अभी आसपास की लाइट्स तो जल चुकी हैं। ये रहा तालाब, इसके आसपास काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, गाने चल रहे हैं, और काफ़ी यंगस्टर्स भी आए हुए हैं। सिर्फ ये फैमिली टाइप का प्लेस नहीं है, यहाँ पे फैमिलीज आ सकती है, यंगस्टर्स है, अपने फ्रेंड ग्रुप्स आया हुआ है, क्योंकि काफ़ी शाम के टाइम के लिए काफ़ी चिल प्लेस है गर्मियों में, क्योंकि दिन में आप आ नहीं सकते, काफ़ी गर्मी होती है, तो शाम को 5 बजे के आसपास आप यहाँ पर आएँ। अब ये पार्क 10 बजे तक खुलता है रात को गर्मियों के टाइम पर, तो सुबह ये ओपन हो जाता है 8 बजे और रात के 10 बजे तक ये खुला रहता है। तो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पे लिखा है गुलिस्तान, तो यहाँ पे गुलाब का बाग है, जो कि अभी पौधे तो हैं पर फूल नहीं है, क्योंकि अभी स्प्रिंग चला गया है। तो अभी मैं जब अपनी फैमिली के साथ आई थी तब स्प्रिंग था, तो यहाँ पे और अच्छी बात होती है, अगर आप फेब और मार्च के आसपास आओगे तो ये पूरी नर्सरी फूलों से भरी रहती है, तो इस टाइम पर भी ग्रीनरी है बट स्टिल यहाँ पर सुंदर है, तब और भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि फूल बहुत सुंदर सुंदर खिले होते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है लक्कड़वाला बुर्ज, तो एक टॉम्ब है यहाँ पे जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, उस पर लाइट पड़ रही है, तो ऐसा नहीं कि दिन में ही सुंदर लगता है, रात में भी लाइटनिंग इतनी अच्छी है कि ये बहुत सुंदर लगता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। अगर आप दिल्ली में पिकनिक प्लेसेस देख रहे हैं तो सुंदर नर्सरी ज़रूर आएँ। और पूरी वीडियो यदि यहाँ तक देख लिए तो आपको फिर एक मौका मिला है सब्सक्राइब करने का, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस जगह ज़रूर ज़रूर आएँ।